जी क्या कहा आपने? यस मिसेस गुलाटी, आपके दूसरे बेटे गगन ने हमें बताया, इनफैक्ट प्रूव किया है कि इस पूरे मैटर में गलती बादल की नहीं है, किसी और स्टूडेंट की है, और हमने इस पे इंक्वायरी शुरू कर दी है। कोई अननेसेसरीली बादल का नाम बीच में ले आया है। इफ यू आस्क मी, तो मुझे तो पहले भी यकीन नहीं हुआ था कि बादल ऐसा कुछ कर सकता है। गगन एक बार ऐसा काम कर सकता है, लेकिन बादल नॉट एट ऑल। एक्सक्यूज मी। टेंशन मत लो, मैंने सब हैंडल कर लिया है। सॉरी टू बॉदर यू मिसेस गुलाटी, इसमें बादल की कोई गलती नहीं है। नहीं सर, बादल ने गलत किया है, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। ये आप क्या कह रही है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मम्मी ठीक कह रही है सर, गलती की है मैंने, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन गैस करके मैंने ही दिए थे। तुम्हें पता है कितनी सीरियस बात है ये? तुम्हारे फ्यूचर एजुकेशन और कैरियर पे इफेक्ट हो सकता है अगर हम तुम्हें इस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दे तो। नानी, वो कौन थे और आपके लिए खाना क्यों बना रहे थे? वो मुझे जानता है इसलिए, और मैं भी उसे जानती हूँ सालों के लिए, लेकिन अभी वो बहुत बड़ा शेफ बन गया। अगर वो होता ना तो तेरे ससुराल वालों की बातें सुननी नहीं पड़ती। 18 साल से वो यही बना रहा है, उसकी स्पेशलिटी, और आज उसने बना के मुझे खिलाया। चिली चिकन। नानी, आपके और पापा की पटती थी? अरे हमारी तो अब भी बहुत पटती है, चिली चिकन की दोस्ती है ना हमारी। वाह, क्या चिली चिकन बनाता है। चिली चिकन? आपका चिली चिकन? यानी मेरे? पापा, पापा, आई होप कि आपकी बेटी हो और आप उसका कन्यादान ना अच्छे से करो, क्योंकि पापा के यहाँ से कन्यादान का सपना तो हर बेटी देखती है। आप जानते थे इस सब के बारे में? निक यहाँ आया कैसे? नंबर तो सिर्फ आपके पास था, आपने दिया बरखा को। पल्लवी, बरखा का बाप है वो, बेटी की शादी की बात हुई तो आया। आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है, इसीलिए मैंने उनको यहाँ बुलाया। मैं नहीं बोला था दीदी को उन्हें कॉल करने के लिए, इनफैक्ट नानी के फोन से भी मैंने उन्हें नंबर दिया था। क्यों, क्या जरूरत थी तुम दोनों को ये सब करने की? सॉरी मम्मी, गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था हमें ये। निक जे, द निक जे, जिनके बच्चों को ना लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने चाहिए थी, लेकिन पापा और हमारे बीच ना आपका ईगो खड़ा है हमेशा से। शायद आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन एक बच्चे के लिए ना जितना इम्पोर्टेंट उसकी मम्मी होती है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट उसके पापा होते हैं। तो प्लीज, दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने वाले ना ये झूठे दावे ना बंद करिए। इतनी देर लगा थी, देखिए क्या हो रहा है। अरे आपका मैसेज मिलती आ गया। मैं, तुम नहीं जानती तुम क्या बोल रही हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, एक बार फिर से बोल के दिखाओ। आपने हमें हमारे पापा से दूर रखा। तो कौन सा पापा ने कभी खुद हमें याद किया? इतने सालों में कभी पलट कर भी देखा उन्होंने? उन्हें पता नहीं होगा हम यहाँ कैसे रहते हैं, पता नहीं होगा कि जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं उनकी फैमिली यहाँ मेरठ की गलियों में कैसे धक्के खाती होगी। अगर पता नहीं भी था तो पता कर सकते थे, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सब कुछ तो है आज। नहीं कि उन्होंने इतने सालों में परवा, लेकिन अब तो कर रहे हैं ना। न्यूयॉर्क से वो वापस आए, ईशान के घर में देखा, कोई कमी नहीं छोड़ी, सिर्फ मेरे लिए उन्होंने किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मम्मी को क्या लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे इन दोनों में से किसी को चुनना पड़े ना तो मैं सिर्फ पापा को चुनूंगी। और आपके साथ तो मैंने रह के देख लिया कितना मुश्किल है, शायद ऐसा कुछ पापा के साथ भी हुआ होगा, इसीलिए वो चले गए। हम उनके बच्चे, हमें तो एक बार तक देखा भी नहीं, उसकी वजह भी सिर्फ आप ही नहीं होंगी मम्मी, सिर्फ आप। कुछ नहीं जानती तुम और ना ही कुछ जानने की जरूरत है। आ, 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 आ,
ऐसे कैसे आ सकता है वो मेरे बेटे की शादी पर हक जमाने? इतने सालों में तो कभी सोचा नहीं, फिर आज क्यों? और परखा, उसके लिए तो मैं जितना कर सकती हूँ उससे कहीं ज्यादा किया हमेशा, और परखा ने उस आदमी की मदद मांगी। पल्लवी रिलैक्स, अब तो वो जा रहा है ना। हाँ, बड़ी मेहरबानी कि वो वापस जा रहा है। बच्चों का एक मैसेज पहुंचा मदद के लिए और चलाया फट से। इतना महान है वो? नहीं, ईगो खुश हो गया उसका और आ गया छाती चौड़ी करके कि देख लो मेरी जरूरत तो पड़ ही गई ना। मुझे नीचा दिखाना चाहता था वो, ऐसा ही है वो। ये सब करने में ना मजा आता है उसको, और इतने सालों में मेरे बच्चों ने उसे मौका दे दिया अपना असली चेहरा दिखाने का, वो असली चेहरा जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। बाकी सबके लिए तो वो द निक जे है ना, मशहूर निक जे। सोचा होगा उसने इंडिया जाऊंगा, एंटरटेनमेंट होगी, फैमिली पिक्चर तो चल ही रही है, वो देखूंगा, पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लूंगा। अब लौटेगा अपनी दुनिया में और सब भूल जाएगा, भूल जाएगा पिक्चर की कहानी क्या थी, पिक्चर के किरदार कौन थे, सब। बस बस वो एंड देखना चाहता था कि अपने बच्चों के सामने मैं कितना टूटती हूँ। कितनी नफरत करती हो ना तुम उससे, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कितनी। जानती हो पल्लवी, जिससे इतनी नफरत करते हैं ना, उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। भुलाना चाहता कौन है, इसी नफरत ने रीढ़ सीधी रखी है मेरे रणवीर, यही नफरत मुझे ताकत देती है जूझते रहने की। और देखो ना, आज उसे मौका मिला है, कल मुझे भी मिलेगा, फिर दिखाऊंगी उसे। यार मौका मिला है तो तू काम अधूरा छोड़कर क्यों जाना चाह रहा है? इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, समझा? यार नंदिता को तुझ पर शक हो गया तो वो दिल्ली तक आ गई है, और तू यहाँ काम अधूरा छोड़कर वापस आने की तैयारी कर रहा है। यार निक, तू सच में वापस जा रहा है? यार रुक गया तो बात और बिगड़ जाएगी, पल्लवी बहुत जिद्दी है, समझा तू? मैं यहाँ आ गया हूँ तो इतना बवाल मच गया है, अगर रुक जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। देख, एक बाप होने के नाते मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया, उसकी शादी तय हो गई है, बस अब उसकी शादी हो जाए तो मैं चैन से बैठूं। Exactly, शादी हो जाए, पर तू शादी के पहले वापस जा रहा है। Nick, what's your plan यार? मैं उसकी शादी का पूरा इंतजाम करवा के ही जाऊंगा। तू एक काम कर, मेरे अकाउंट से 50 लाख रुपए विड्रॉ करो, अपना फोन दे मुझे। क्यों? पर परखा ने मुझे ब्लॉक किया, उसको मैसेज करना है। जाने से पहले मिलना है, अभी मिल सकती हो, जरूरी है। बरखा, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.